हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल देसी पिजन लवर्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब भाई फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम कबूतरों को कैसे नुहाई धुआई दें, हमारे कबूतर अच्छे से फिट रहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कबूतरों के जुए और जो मक्खी होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, कहाँ पर नहीं होती हैं। आइए ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, गौर से आप ये जुएं दिखाई दे रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे जुएं कबूतरों के पर में जो लग जाते हैं, ये जुएं देखें। ठीक है दोस्तों, ये जुआ है और इस पर में भी ये देखें, ये जो जुएं हैं इसको मारने के लिए हमने एक मेडिसिन लाया है, जो कि आप सब भाइयों को बताऊंगा मैं कि कबूतरों को साफ़ कैसे करें, उसकी नहाई धुआई कैसे दें। तो ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं जो कि आप अपने कबूतरों को दें, इससे नहवाएं और कबूतर आपके फिट रहेंगे। ये कुछ कबूतर भी निकाले हैं मैंने, ये देखें, ये सब मादियाँ निकाली हैं। पहले इनको ही नहाई दे देंगे, नहवा देंगे, फिर कल बाकी कबूतरों को भी नहवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं बताते हैं आपको। तो ये देखें दोस्तों, ये मेरे हाथ में बूटैक्स है। ठीक है, ये बूटैक्स, और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये है क्लीनर। ठीक है दोस्तों, ये बूटैक्स और ये देख ले दो चीज़ें, ये बूटैक्स और ये क्लीनर। और पास आइए मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक्चुअली मक्खी मारने के लिए और कीड़े मारने के लिए दवाई है, ये देख ले आप। ठीक है दोस्तों, ये देख लें। ठीक है दोस्तों, इसका नाम देख लें, ये आप मार्केट से ले सकते हैं, बहुत ही इजी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये है बूटैक्स। ठीक है, और इसके साथ क्या मिलाना है मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही अच्छा उपाय है और एक ही दिन में कबूतर के पर उर में जो कीड़े होंगे वो मर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बूटैक्स। ठीक है दोस्तों, ये देख लें आप, ये दोनों दवाइयाँ आपको मिला के कबूतरों को देनी है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही कारगर दवाई है ये। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ आपको ये शैम्पू थोड़ा मिलाना है ताकि हमारे कबूतर के पर सिल्क हो जाए। ठीक है दोस्तों, उस पर कोई मक्खी या कीड़े फिर दोबारा ना चिपके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं बताते हैं आपको, मिलाते हैं दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बूटैक्स ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बूटैक्स को हम थोड़ा सा ही मिलाएंगे, क्लोज करके, ये देखें, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसे भी हम क्लीनर को भी थोड़ा मिलाएंगे, ये देखें। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा शैम्पू। शैम्पू देख लें आप कितना मिलाना है, थोड़ा सा ही मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है, ये देख लें। ठीक है दोस्तों, अब सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। इससे क्या होगा कि कबूतर में जो है, तो ये देखें दोस्तों, पानी का कलर कुछ सफ़ेद हो गया है। ठीक है, देख ले कैसा साफ पानी है, कोई कुछ नहीं है। अब देखना, मैं इसके अंदर ये कबूतर नहवाने लगा हूँ, कबूतरी, और कैसे नहवाते हैं कबूतर को ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। कबूतर को आप इस तरह पकड़ें गर्दन इसकी, ठीक है, हल्के हाथ से, यानी कि जोक के हाथ से, और कबूतर को पूरा डिप कर दें इसके अंदर 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है दोस्तों, ताकि कबूतर बड़ी अच्छे से तरीके से, तो ये कबूतर को पानी में रखा फिर निकाल दिया। अब इसको करना क्या है दोस्तों, इसका ये पर खोल के इसको डीप कर देना है। ठीक है दोस्तों, और फिर ये पर खोल के इसको डीप कर देना है। ठीक है दोस्तों, ताकि जो भी कीड़े उड़े होंगे इसके मर जाएंगे। दुम को भी ऐसे कर दें, और इसको हमने निचोड़ के थोड़ा पीछे से ये छोड़ देना है, ये देखें, इस तरह छोड़ देना है, ये देखें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दूसरा कबूतर भी दिखाते हैं आपको। तो ये ले दोस्तों, ये दूसरा कबूतर है, इसको भी नहवाते हैं। बस इसी तरह 2 से 3 मिनट डिप करके रखना है कबूतर को,
दो से तीन मिनट नहीं, बस कबूतर को ऐसे निकालें, ठीक है। एक पर इस तरफ डिप कर दें और एक पर आप दूसरा पर इधर को डिप कर दें, ठीक है दोस्तों। और ये दुम, ठीक है दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों, इसको नहवा दिया है, धोवा दिया है, अब इसे भी छोड़ते हैं, ये देखें, ठीक है दोस्तों, ये देखें मैं कर। तो दोस्तों इसी तरह बाकी सब कबूतरों को भी नहवाते हैं और कल मैंने कबूतर उड़ाए थे वो भी आपको दिखाते हैं, चलिए वो तब तक वो वीडियो देखें, ठीक है दोस्तों। बाकी सब कबूतर को नहवा दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये देखें दोस्तों, ये कुछ छतरी मैंने बना दी है इस टाइप की, वो जो है डंडा वो 25 फीट 30 फीट मान के चले ऊपर है, ठीक है, इससे 10 फीट ऊपर है वो डंडा। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये कबूतर उड़ रहे हैं ऊपर, दो कबूतर ऊपर हैं, ये तीसरा कबूतर बैठ रहा है अभी, ये देखें मैं दिखा रहा हूँ आपको। और दो जो कबूतर हैं वो भी दिखाता हूँ आपको जूमिंग करके, पहले इसे बैठने दें तीसरे को, ये आके तीसरा बैठता है, ठीक है दोस्तों। दिन के बज रहे हैं 12 और आज संडे का भी दिन था, तो मैंने ये देखें ये बैठ रहा है, ये बैठ गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो दोनों कबूतर कहाँ हैं, और वो भी लगे ही आ रहे हैं इसके साथ नीचे, मुझे मिल लेंगे, अभी दिखाई दिए थे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये आ गया, ये आ गया, ठीक है दोस्तों, ये कबूतर आ गया, काफ़ी नीचे जूमिंग कर दिया मैंने, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये इससे इसके ऊपर वो देखें, वो दूसरा भी आया है, ये देखें वो दिखाई दे रहा होगा आपको, एक मिनट में फिर आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, ये देखें ये आया, ये दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, ये देखें ये काला है और ये अवरा बटा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं बैठते के वक्त आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये कबूतर फिर ऊपर चल गई, नीचे से चील आ गई है, ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये देखें, ठीक है दोस्तों, ये फिर ऊपर दोनों जाने लगे हैं एक साथ, हालांकि नीचे से चील आ गई है, वो देखें ऊपर चील है इसके, वो देखें, ये देखें, दिखाई दे रहा है आपको, बैठते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये देखें एक कबूतर ये आ गया है आवरा मेरा काला कबूतर, ठीक है दोस्तों, जूमिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें ये आ गया एक कबूतर मेरा, और दूसरा कबूतर जो है वो अभी मिलने रहा है, वो भी इसी के साथ ऊपर गया था, देखते हैं उसको। और ये कबूतर आ गया, ये देखें, ये देखें, ये मैं जूमिंग कर दे रहा हूँ, ये देखें, ठीक है दोस्तों, अच्छी हाइट पर है अभी भी, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखें, ये देखें, ठीक है दोस्तों, बैठ लेने से, ये देखें, ठीक है दोस्तों। चलिए बैठने के दिखाते हैं आपको, बाकी वो कबूतर खोजते हैं कहाँ गया, देखते हैं आपका कबूतर अलग, ये देखें ये बैठ गया, ये देखें। चलिए दोस्तों ये देखें, ये है ये वो कबूतर, ठीक है दोस्तों, ये देखें ये है वो, उस तरफ उड़ रहा है, थोड़ा धूप है वो उस तरफ जा रहा है बार बार, खैर ये देख रहे कितना नीचे आ गया है, ठीक है दोस्तों, अच्छा चीलों से लड़ लुड़ के बच उच के आ गया ये नीचे, ये देख लें, ये देखें, ठीक है दोस्तों। ये कोई भाई बोले नहीं कि कबूतर भाई के नहीं उड़ते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिन के बज रहे हैं 1 बजने वाला है, ठीक है दोस्तों। और ये जो दूसरे नंबर पर बैठा हुआ कबूतर मेरा,
ये देखें, ये जो दूसरे नंबर पर बैठा हुआ कबूतर अभी यही उड़ के आया है, ये देखें पर कैसे फेंका है इसने, ये देखें। ठीक है दोस्तों, और ये है कबूतर वो जो अभी उड़ के आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखें ये कबूतर। ठीक है दोस्तों, बाकी यही छतरी है और ये वहाँ से देख रहे हैं, ये सीधा मैंने लगाया है और ये आज लगाया संडे के दिन। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें ये कबूतर आ गया, ये देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए बैठने दें इसे। अरे जी, ये कबूतर बैठ रहा है, ये देखें ये बैठ गया। ठीक है दोस्तों, ये जो बीच में बैठा हुआ है ये देखें। ठीक है, ये देख रहे कबूतर ने पर अभी नहीं फेंके हैं और उस कबूतर ने कैसे पर फेंक दिया, ये देखें। ठीक है दोस्तों, इस कबूतर ने कैसे पर फेंका और इसने अभी वैसा पर नहीं फेंका, हाँ फेंका हुआ है मगर वो फ्रेश बैठा हुआ है, कोई कमी पेशी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो और जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, और सब भाइयों को हैप्पी होली, ठीक है मेरी तरफ से। और बाकी दोस्तों जैसे जैसे ये देखें एक यहाँ चिमड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसे भी ऊपर फेंकते हैं चल। बाकी दोस्तों ये ऊपर कुछ कबूतर बैठे हुए हैं सुबह से, ये देखें ये देखें। ठीक है दोस्तों, मौसम साफ है, इसी तरह का मौसम होता है कबूतर उड़ाने वाला, ये देख लें आप। ठीक है दोस्तों, जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये कबूतर सब बैठे हुए हैं, बैठे हैं वो देखें।